हेलो फ्रेंड्स, मैं तेजश्री आपका मंजूस किचन हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी है गणेश चतुर्थी। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल एंड गणपति बाप्पा मोरिया। सो गणपति बाप्पा है तो मोदक आए, इसलिए आज आपको सिखाने वाली हूँ उकड़ी से मोदक, रसमलाई मोदक एंड रेड वेलवेट मोदक। है ना कुछ सुनने में डिफरेंट और खाने में तो लाजवाब। चलिए तो फिर सीखते हैं मोदक बनाना, वो भी इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। पर उससे पहले मंजूस किचन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले हम बनाएंगे रेड वेलवेट मोदक। ये मैंने मारी बिस्किट क्रश करके लिया है, आप कोई भी बिस्किट ले सकते हो, बट वो फ्लेवर्ड नहीं होना चाहिए या फिर क्रीम बिस्किट भी नहीं होना चाहिए वो। ये मैंने लिया है हाफ कप मिल्क पाउडर, इसमें मैं डालूंगी हाफ कप पीठी शक्कर पाउडर शुगर। ये बनाने में बहुत ही आसान है, बस आपको सब मिक्स करना है फटाफट और हो गया। 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर और इसमें मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। हमें इसका टाइट डो बनाना है, इसे बाइंड करने के लिए मैं इसमें डालूंगी मिल्क, और मैंने 1/3 कप मिल्क ले लिया है। ये थोड़ा थोड़ा डाल के हम बाइंड करेंगे, एक साथ पूरा नहीं डालेंगे। अभी आप देख सकते हो कि ये डो और भी स्टिकी हो चुका है। ये और एक कप मैंने ले लिया है बिस्किट का क्रम, क्रश बिस्किट। इसको थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसे ऐसे ही गूंथते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे और इसका एक स्टीफ डो बनाएंगे। क्योंकि ये रेड वेलवेट है तो रेड कलर तो मस्ट है, आप कोई भी फॉर्म में रेड कलर यूज़ कर सकते हो। ये मैंने कलर स्प्लैश का रेड कलर लिया है। ये हमारा डो बना के परफेक्टली रेडी है। इस तरह से इस कंसिस्टेंसी में आपको डो बना लेना है। ये मैंने लिया है क्रीम चीज़, इसके मैंने छोटे छोटे बॉल बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक छोटा सा डो ले लेंगे। ये है हमारा मोदक का साँचा, इसमें हम ये डो डाल देंगे। और इसे अच्छे तरह से साइड में प्रेस करेंगे। ये जो क्रीम चीज़ है ये मैं बीच में डाल दूंगी, स्टफ कर दूंगी इसके बीच में। और ये हम ऊपर से इसे कवर कर देंगे। थोड़ा सा डो लगा लेती हूँ मैं, इसे अच्छी तरह से प्रेस कीजिए और ये जो एक्सेस है उसे आप निकाल सकते हो। अब हम इसे खोलेंगे, आराम से खोलिएगा। और ये लीजिए, बन गया आपका रेड वेलवेट मोदक। तो अब हम स्टार्ट करेंगे रसमलाई मोदक बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम मिल्क ले लेंगे, इसमें हम डालेंगे हाफ कप पीटी शक्कर, इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ मैंने ले लिया है छेना, ये पनीर है, इसे मैंने मिक्सर में पीस कर ले लिया है। आप पनीर ले सकते हो जो रेडीमेड मार्केट में मिलता है और उसे पीस सकते हो, या फिर घर पे ही छेना बना के आप उसे भी इसमें ऐड कर सकते हो। इसे अभी हमें रिड्यूस करना है, जब तक ये मिल्क पूरा रिड्यूस नहीं हो जाता है तब तक। आप देख रहे हो ये बैटर बहुत पतला हो चुका है, बट डरिएगा नहीं, जैसे जैसे हम इसे कुक करेंगे वैसे वैसे ये गाढ़ा होता चला जाएगा। हमें इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इसे थोड़ी देर और हम चलाएंगे इसी तरह से। हम इसमें डालेंगे जायफल और इलायची पाउडर, यहाँ पर मैंने ले लिया पिस्ता चॉप करके, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। हम इसमें डालेंगे येलो फूड कलर, ये येलो कलर मैंने थोड़े से दूध में मिक्स करके ले लिया था। पनीर का बैटर हो चुका है, ये जो हमने बैटर बनाया है वो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसे गूंद लेंगे अच्छी तरह से और इसका एक डो बना लेंगे। अगर आपका बैटर ऐसे क्रम भी नहीं बनता है और मावा कंसिस्टेंसी में बनता है तो आपको दूध डालने की या फिर गूंदने की ज़रा भी आवश्यकता नहीं है, आप इसी तरह से इसे बना सकते हो। मेरा थोड़ा सा क्रम भी मिक्सचर हो गया, इसीलिए मुझे दूध डाल के इसे थोड़ा सा गूंदना पड़ेगा। तो ये हमारा डो बना के रेडी है। मैंने यहाँ पर ले लिया है रसमलाई, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है इसका, नहीं तो बहुत सॉगी हो जाएंगे हमारे मोदक। तो इसे मैं थोड़ा सा ऐसे निचोड़ निचोड़ के इसका पूरा रस निकाल दूंगी
और इसे थोड़ा सा क्रश कर लूँगी स्टफिंग बनाने के लिए। अब मैंने ले लिया है ये सासा मोल्ड, इसमें हम लगाएंगे घी, और जैसे हमने रेड वेलवेट के लिए किया था उसी तरह से हम इसमें थोड़ा सा ये अंदर तक साइड में इस तरह से इसमें हम डालेंगे ये रसमलाई। अब इसी तरह से हमें प्रेस कर लेना है और अब हम इसे हल्के से ओपन करेंगे, बहुत डेलिकेट होता है ये, आराम से ओपन कीजिएगा। बस वाव, इस तरह से हमारे ये रसमलाई मोदक रेडी है। चलिए तो फिर उकड़े से मोदक बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच घी, खसखस 1 चम्मच, और इसे स्लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। 10 सेकंड रोस्ट करने के बाद मैं इसमें डालूंगी ये सूखा मेवा, ये मैं डालूंगी 1 कप ग्रेटेड कोकोनट। 1 मिनट के लिए मैं रोस्ट कर लूंगी। जस्ट मुझे ये जो कोकोनट होता है इसमें बहुत मॉइस्चर होता है, सो उतना ही हम इसे रोस्ट कर लेंगे ताकि हल्का सा मॉइस्चर इसमें से कम हो जाए। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। बस 1 मिनट रोस्ट करने के बाद हम इसमें डालेंगे गुड़ जैगरी, ये है 1/2 कप, 1 कप कोकोनट, 1/2 कप जैगरी। हम रोस्ट करेंगे वैसे ही वो थोड़ा पतला होते जाएगा हमारा बैटर, जैगरी पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, बट उसके बाद हमें थोड़ा और रोस्ट करना है। ये मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई ही लगेगा हमें। अब इसमें लास्ट में हम डालेंगे इलायची पाउडर और जायफल पाउडर और इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो इस तरह से हमारा ये मिक्सचर स्टफिंग बन चुका है। बस देखा स्टफिंग बनाना कितना आसान है। गुड़ डालने के बाद इसे ज़्यादा रोस्ट मत कीजिएगा, नहीं तो आपका ये जो स्टफिंग है वो पूरा स्टीफ या कड़क बन जाएगा, जो अच्छा नहीं लगता है ऑफकोर्स खाने में। मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप राइस फ्लोर, चावल का आटा, और यहाँ पर है ये एक मज़ेदार इंग्रेडिएंट, ये है साबुदाना। तो इस साबुदाना को हम भी पीस कर ही ऐड करेंगे, लेकिन इससे क्या होगा तो अच्छे से बाइंडिंग होगी, और जब भी हम स्टफिंग भरेंगे या फिर उसका जो कोटिंग बनाएंगे या फिर उसको जो कलिया बनाएंगे तो वो टूटेगा नहीं, अच्छी तरह से हम जैसे उसको शेप देंगे वो शेप होल्ड कर लेगा। हम इस मिक्सी में ये साबुदाना जो है वो ऐड कर लेंगे और इसे पीस लेंगे। ये पीसा नहीं जाएगा क्योंकि ये बहुत कम है, आप देख सकते हो, तो इसमें आप ये चावल का आटा डाल के इसे पीस ले सकते हो। हमने 1 कप राइस फ्लोर लिया था, तो हम 1/2 कप दूध लेंगे और 1/2 कप पानी। अगर आपको दूध ज्यादा अच्छा नहीं लगता है तो आप सिर्फ 2 टेबलस्पून दूध डाल सकते हो और बाकी पानी ऐड कर सकते हो। क्योंकि हमने इसमें 1 स्पून डाला था साबुदाना, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 टीस्पून डालेंगे पानी एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे घी, इसमें डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक। इसे अब हम मिक्स कर लेंगे, एक अच्छा बॉईल लाएंगे। इसे बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है, इसी स्टेज पर हम कर देंगे गैस को बंद और ये जो आटा है वो हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम इसीलिए हमने बंद करी है ताकि इसके अंदर हम जब आटा डालते हैं तो इसके लम्स ना बने। अब इसे हम ढककर एक 10 से 15 मिनट तक के लिए रेस्ट करने रख देंगे। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, ये इसे कहते हैं उकड़। तो ये मैंने निकाल लिया है प्लेट में, अब ये हल्की सी गर्म है, जब ये गर्म है तभी आपको इसे नीड करके लेना है इस तरह से। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा घी लगाकर आप इसे नीड कर सकते हो, बट वैसे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हमारा डो बन के रेडी है। इसे चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, एक छोटा सा बॉल ले लो और इसे रोल करो इस तरह से। अगर इसमें एक भी क्रैक ना आए मतलब आपका आटा परफेक्टली नीड हुआ है, या फिर आप इसे ऐसे भी करके देख सकते हो। इसमें भी अगर क्रैक ना आए इसका मतलब आपका आटा परफेक्ट है। अब हम इसे मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मोदक बनाने के लिए हम सबसे पहले ले लेंगे एक गोला इस तरह से, इसे हम अच्छी तरह से रोल करेंगे।
रोल करने के बाद इसे उंगलियों से प्रेस करते हुए ऐसे ऐसे पारी बना लेनी है आपको। इक्वल होनी चाहिए, कहीं पे थिन कहीं पे थिक वैसे नहीं होनी चाहिए। ये पारी बना के रेडी है। अब हम इसमें बनाएंगे कलियां इस तरह से, एक एक फिंगर का बीच में गैप रख के आपको इसकी कलियां बनानी है। बस आपको इसी तरह से दो फिंगर्स रखने हैं ऐसे बीच में, एक फिंगर यहाँ पर और इसे प्रेस करना है इस तरह से। फिर इसमें हम डालेंगे सारण, आप जितना चाहे उतना डाल सकते हो। ये मैंने सारण भर दिया है। अब आपको हल्के हल्के हाथों से इसे बीच में लाते हुए फोल्ड करना है। ये ऊपर का एक्सेस आटा आप निकाल सकते हो। ये बन गया हमारा मोदक, लग रहा है ना बहुत खूबसूरत। तो ये हमारे मोदक बन के रेडी हो चुके हैं। एक पव आटे में बराबर 7 मोदक रेडी हो चुके हैं। अभी हम इसे स्टीम करने रखेंगे। उससे पहले मैंने ये हल्दी का पत्ता ले लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाकर ये सारे मोदक इस पर प्लेस कर लिए हैं। लग रहा है ना बड़े सुंदर। चलिए फिर इसे स्टीम करने रखते हैं। मैं पानी गर्म करने रख दिया है और ये प्लेट मैं यहाँ पर रख दूंगी। मैंने 2 हल्दी के पत्ते ऊपर भी रख दिए ताकि ये कुछ भी पानी अगर जाता है तो उसके अंदर ना गिरे। अब इसे हम ढक्कन लगाकर एक 10 टू 15 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे, स्टीम कर लेंगे। हम इसे खोल कर चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे मोदक रेडी हो चुके हैं। रेडी है हमारे गर्मा गर्म मोदक।